नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपअप मेन्यूज़ की प्रोग्रामिंग के बारे में। हम जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अपने जीयूआई में पॉपअप मेन्यूज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली पॉपअप मेन्यूज़ आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट वन ऑफ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से अगर आपको एक चूज करना है तो वो पॉपअप मेन्यू से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पॉपअप मेन्यू जीयूआई में इस तरीके से दिखेगा, बाकी आपके जो एरिया है वर्किंग एरिया उसमें इस तरीके से अपीयर होता है। तो हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। आपको एक जीयूआई डिज़ाइन करनी है पॉपअप मेन्यू की हेल्प से, जो प्रोवाइड करती है आपको अपना जो कैरियर ऑप्शन है उसे चूज करने के लिए, ठीक है ना, और उसका जो रिजल्ट है उसे डिस्प्ले करती है टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप जो कुछ भी चूज करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बी, और यहाँ पर आप उसे चूज करते हैं तो वो यहाँ पर लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग आप देख सकते हैं मेरे पास ये है इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे मैंने अगर इंजीनियर चुना, यस कॉन्ग्रेचुलेशन इंजीनियर साहब, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट हियर, ठीक है ना, ये तो आपने लिखा है। बाकी डॉक्टर जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये किस तरीके से होगा आइए इसे देखते हैं। तो गाइड हमने ओपन किया और उसमें एक ब्लैंक जीयूआई, और देन हमें यहाँ पर पॉपअप मेन्यू लेना है, ठीक है, और उसके बाद एक स्टैटिक टेक्स्ट जिसमें कि यहाँ पर अपीयर होगा आपका मैसेज, ठीक है, स्टैटिक बॉक्स में जो आप लिखना चाहें इनिशियली जो लिखा होना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी, ठीक है ना ये, और इसका टैग है वो हमने वन कर देना है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका एरिया भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एरिया, ठीक है। अब पॉपअप मेन्यू में, अब देखिए पॉपअप मेन्यू में यहाँ लिखना है तो इस तरीके से लिस्ट लिख के आ जाती है। तो यहाँ अगर आप पॉपअप मेन्यू लिखा रहने देंगे तो वही लिख के आएगा, और बाकी यहीं से आप लिखना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ लिख के आएगी वहाँ पर जब स्टार्टिंग में रन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चूज़ योर करियर ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इंजीनियर डॉक्टर लॉयर और अदर्स, जितना भी आप लिस्ट बनाना चाहें आपने बना दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो इंजीनियर कौन से नंबर पे आ रहा है, टू पर है, क्योंकि पहले नंबर पर है चूज योर कैरियर ऑप्शन, ठीक है, ये दूसरे पर है, डॉक्टर तीसरे पर है, इस तरीके से, ठीक है। आप स्टार्टिंग से रख सकते थे, स्टार्टिंग से रखते तो इंजीनियर पहली उस पर ही आ रहा होता और आपके बिना चूज किए ही इंजीनियर आ रहा होता, ठीक है ना, बट आप चाह रहे हैं कि नहीं चूज करें उसके बाद ऐसा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इसकी वैल्यू रिसीव करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू टू आती है तो दैट मीन्स वो इंजीनियर के बराबर होगी, ठीक है ना, थ्री आती है डॉक्टर के करस्पॉन्डिंग है, ये आपको समझना है, ओके, ये हो गया। और पॉपअप मेन्यू वन इसका टैग हो गया, ठीक है, ये हो गया, हमने इसे सेव किया, ठीक है, GUI अंडरस्कोर एग्जाम्पल 6, ठीक, ये हो गया। तो अब पॉपअप मेन्यू का ये क्रिएट फंक्शन है, हमें इसके कॉल बैक फंक्शन में लिखना है, पॉपअप मेन्यू का जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू है उसे गेट करना होगा। तो देखिए मैं इसका प्रोग्राम लिख देता हूँ, देखिए इसका प्रोग्राम मैंने लिख दिया, सिंपल ये इसका प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू है उसे गेट करना है, गेट हैंडल्स पॉपअप मेन्यू वैल्यू, ठीक है ना। तो वैल्यू आप गेट करेंगे तो वैल्यू आपने गेट की, जैसे आपने सपोज जो इंजीनियर वाला ऑप्शन है उसे चूज़ किया, तो मैंने बताया वो टू पर है, ठीक है ना, क्योंकि पहले पर हमने चूज़ योर करियर ऑप्शन वो हमने कर रखा है। तो अगर वैल्यू टू आती है, ठीक है ना, तो क्या हो जाए, टू आती है तो हमें सेट करना है सेट हैंडल्स डॉट टेक्स्ट वन, जो टेक्स्ट वन है उसमें स्ट्रिंग सेट हो जाए, क्या हो जाए, जो आप लिखें वो हो जाए। तो आप हमने ये लिख दिया, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो हमने यहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ चूज़ किया है, ठीक है ना। तो एल्स इफ वैल्यू अगर थ्री होती है तो सेट हैंडल्स डॉट टेक्स्ट वन स्ट्रिंग डॉक्टर,
ठीक है ना, जो भी आपने डाल रखा है वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और else में हमने सेट कर दिया अदर्स, ठीक है। तो देखिए अगर वन भी जो चूज वाला ऑप्शन है जो पहला है, अगर आप उसे भी चूज करेंगे तो अदर्स में ही चला जाएगा, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। एकदम परफेक्ट वाली बात है वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने एल्स में ऐसे डाल दिया। अगर आप चाह रहे हैं एकदम ये परफेक्ट वर्क करें तो इसे एल्स में नहीं डालेंगे, इसे भी आप फाइव वैल्यू पर ले जाके डालेंगे और एल्स को खाली छोड़ देंगे, तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसे हम रन कर लेते हैं, सेव किया और रन किया, देखिए देखिए आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो क्या आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो वैल्यू आ रहा है इसे आप यहाँ से जो बाद में सेमी कॉलन लगाए इसे हटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कमांड विंडो पर आपको दिखाई देगी अब, ठीक है। मैं इसे रन कर रहा हूँ और देखिए अब मैंने जैसे अगर चूज़ किया इंजीनियर, तो देखिए वैल्यू टू आ रही है ना, वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लॉयर किया तो देखिए फोर आ रही है, ठीक है, और अदर्स किया तो फाइव आ रही है, ठीक है ना। और देखिए फिर अगर मैं चूज़ योर करियर ऑप्शन इस पर करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, अदर्स, क्योंकि वो एल्स में डाल दिया है, टू थ्री फोर तो ये कंडीशन में पड़े हुए हैं, बट बाकी सब कुछ आता है उसमें, इस वजह से आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसे सही करना चाह रहे हैं तो क्या आप कर सकते हैं, इसे इसे भी पाँच में उस पर नंबर पर डालिए और एल्स में कुछ मत डालिए, एल्स में कुछ नहीं डालोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आसानी से आप पॉपअप मेन्यू में उसे यूज़ कर सकते हैं अपने जीयूआई प्रोग्राम में। सो दिस इज़ द कोड। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।